फास्ट एंड फ्यूरियस का लेटेस्ट मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स अगर आप तुम देखने के प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला एडवाइस में अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाना, क्योंकि तुम लॉजिक ढूंढने जाओगे तो पिक्चर में वो नहीं मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस के भाई 10 मूवीज आ चुकी है और एक फ्रेंचाइज को 10 मूवीज तक लेके जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और मुझे यही सबसे अच्छी बात इस फ्रेंचाइज की लगती है। सो, इस मूवी में क्या दिखाया गया पार्ट 10 में और क्या आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। शुरुआती में आपको फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के सीन्स दिखाए जाते हैं। पांचवा पार्ट उस टाइम में काफी अच्छी मूवी थी और गाड़ी को चुराने वाला जो सीक्वेंस था काफी अच्छा था, उसी को इसमें दिखाया गया है लेकिन किसी अलग तरीके से। और तुम बोल रहे हो कि इसका विलन किसका चाचा, किसका भाई, किसका भतीजा है? वो एक्चुअली जो 5th मूवी का विलन है उसका बेटा लगता है, जिसको इन्होंने पूरे फैमिली मिलकर अच्छे से काफी बैंड बजाया था और काफी बुरे तरीके से आया था, तो उसी के बेटा इसमें पूरा बदला लेने वाला। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात लगी इस विलन का रोल काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। और इसमें गाइस इस विलन का मकसद ना था किसी के देश को बर्बाद करना, ना भाई कोई मिसाइल चलाना, ना तो मतलब कोई बम न्यूक्लियर फोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मिशन सिर्फ एक ही है, डॉम के पूरा फैमिली को तड़पा के मारना, बहुत ज्यादा दुख पहुंचाना। अगर तुम लोगों ने इस फ्रेंचाइज की सारी मूवी देखी है तो आप सबको पता होगा कि इन्होंने हर फ्रेंचाइज में कुछ नया नया ट्राई करते हैं। हर फ्रेंचाइज में पिछले मूवी से कुछ बढ़िया बढ़िया एक्शन, मतलब हर मूवी में कुछ ना कुछ नया एक्शन देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो इस बार इन्होंने क्या नया किया, चले मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो भैया, इस फ्रेंचाइज की शुरुआत में कार वर्सेस कार था, कार वर्सेस प्लेन भी था, लेकिन इन्होंने कार वर्सेस स्पेस कर दिया। जी हाँ गाइज, आपने पिछला फ्रेंचाइज देखा होगा, यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने लिटरली भाई कार के अंदर रॉकेट ला के स्पेस में चला गया था। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे कुछ भी। शुरुआती में जब ये मूवी स्टार्ट हो रही तो मुझे लगता है कार वर्सेस कार नॉर्मल चलता रहता, जो कि मुझे लगा कि चलो भाई फाइनली ये मूवी ट्रैक पे आ चुकी है। लेकिन गाइज, इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में भाई जो सीन्स आपको दिखाया जाएगा, आपका सर फट जाएगा और अपना दिमाग, लॉजिक, इमोशन सब भूल जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है। लिटरली यहाँ पर आप एक ट्रेलर वाला सीन देख लो, जिसमें क्या होता है कि एक भाई कार को 2 हेलीकॉप्टर से बांध दिया जाता है और ये हमारा डॉम भैया क्या करता है, स्ट्रिंग्स घुमा के दोनों हेलीकॉप्टर के आपस में लड़ा के उसको ब्लास्ट करवा देता है। मतलब कुछ भी, मतलब भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको शुरुआती में बोल दिया, अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढने जाओगे तो अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाना, वहाँ पर दिमाग मत लगाना, नहीं तो आपका दिमाग का भाजीपाला हो जाएगा। और जो एंडिंग वाला सीन काफी अनरियल लगता है, आपको लगता है कि इन्हें यहाँ से जिंदा बचना मतलब इम्पॉसिबल है। और जिस तरीके से इन्होंने कार को बताया जा रहा है, और सच बता रहा हूँ पिक्चर के एंड आते आते मेरा दिमाग इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो चुका था कि ये सब सीन्स देख कर कि आप सबको मैं क्या ही बताऊँ। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ इस ओवरलोडेड सीन को काफी ज्यादा इंजॉय किया, क्यों किया चल मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो इसमें फैमिली ड्रामा जो इमोशंस डाले गए हैं वो भी काफी अच्छा है, और इस कहानी को आपको आगे ले जाएगा, पीछे नहीं ले जाएगा। लेकिन इस सब के अलावा इस मूवी में कुछ गोल्डन सीन्स भी है, जैसे कि नायक कॉप का कैरेक्टर आता है, उसका एक ही मिशन है हमारे डॉम भैया को पकड़ना। और वो भाई साहब शुरुआती में डायलॉग बोलते हैं कि आज तक हमने जितने को डॉम को पकड़ने के लिए भेजा वो सब इनके फैमिली में जुड़ गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस फ्रेंचाइजी का, इसमें कोई मरता ही नहीं है, जो मरता है वापस जिंदा हो जाता है। मतलब चल क्या रहा है भाई, मतलब मरता ही नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई आप जो मर गया आप सोच रहे हो कि आपको उसमें कोई इमोशंस नहीं रहेगा, आपको पता है कि वापस मतलब फिल्म में आने वाला जो बंदा सर मर गया वो पता है आपको अगली पार्ट में वापस आने वाला था। भाई इस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगती है। इस पार्ट में बताया जाता है कुछ कैरेक्टर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते, लेकिन हम उसको सीरियस कैसे ले भाई, हमको पता है कि अगली पार्ट में वो वापस आने वाला है, तुम उसको सीरियस कैसे ले। लेकिन पिक्चर की एंडिंग कैसे भी हो नेक्स्ट पार्ट के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर कर देता है। और एक और बात, तुम इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन उससे पहले तुमको पता होना चाहिए कि इसके 9 पार्ट में क्या हुआ। अगर आपने 9 पार्ट को फॉलो किया तो आपको पता है कि इस मूवी में, इस फ्रेंचाइज में आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, बिना दिमाग की गाड़ी चलती है 9 पार्ट में। देखो भैया, पिक्चर जैसे भी हो इसका मिड क्रेडिट सीन छोड़ के मत जाना, बिकॉज उधर ही सारा माल छुपा है। इसमें एक और लास्ट में गाइस मिड क्रेडिट सीन आता है, उसको देखना, उसमें आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। एनीवेज आपसे बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।